हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। और आप सब कैसे हैं? आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पहला अर्घ, मतलब आज है पहला अर्घ और आज के दिन भी बज रहा है सुबह का 3:30 मॉर्निंग का। और अभी जा रहे हैं सब लोग प्रसाद बनाने के लिए, मतलब मम्मी और दीदी प्रसाद बनाएंगे, मैं जाकर सो जाऊंगी तो अदर रूटी टूटी था, अदरवाइज मैं जाकर सो जाऊंगी, बिकॉज सब लोग एक साथ जगे रहेंगे तो फिर सुबह में मॉर्निंग में कौन काम करेगा इस वजह से। और हैं हम लोग सिर्फ 3 लोग ही और प्रसाद बनाना है ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग सब मिल करके बना रहे हैं। तो अभी मम्मी और दीदी बनाएंगे प्रसाद और फिर उसके बाद एक अलग प्रसाद, मतलब भगवान का प्रसाद अलग बनेगा, फिर छूटा प्रसाद बनता है बहुत तरीके का, फिर ठेकुआ बनता है प्रसाद में, फिर सूप लगेगा, घाट सजेगा, बहुत सारा आज काम है। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, अभी 3 बज रहा है। मैंने थोड़ी देर बाद ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत मैंने घर अरेंज किया उसके बाद फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी सा चेंज वेंज कर कर। मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी प्रसाद का, बिकॉज मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अगर मेरे उठने के बाद भी बनता रहा तो मैं दिखला दूँगी आप लोगों को, नहीं बनता रहा तो फिर नहीं हो पाएगा ये प्रसाद वाला वीडियो। बट मैं आपको दिखाऊँगी घाट सज रहा है वो सब चीज़, मैं जैसे जैसे हमारे यहाँ काम होता चला जाएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती चली जाऊँगी। तो सो गाइस, ये हम लोग का घाट है, यहीं पे छठ का अर्घ पड़ेगा सुबह और शाम दोनों का। तो यहाँ पे ये पेंट वगैरह हो गया है और यहाँ पे ये मेरे तीनों भाई मिलकर के काम कर रहा है, कोई कनेक्शन दे रहा है, कोई सामान इधर उधर कर रहा है, कोई बैठ करके ये पता नहीं, आई थिंक हाँ रंग वंग चूना जो क्या कर रहे आए थे गेरुआ वो सारा चीज़ें सब धो रहा है। तो ये लोग मिल के काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे छत पे रंगोली बनाएंगे, फिर घाट सजेगा फूल से। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोग को दिखलाते चले जाऊँगी और अब यहीं पे रंगोली बनाऊँगी मैं। और ये लोग मेरा हेल्प कर रही है थोड़ा बहुत, मैं बना बना के दे रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ बहन या आउटलाइन करो, तो ये लोग बैठ करके आउटलाइन कर रही थी। और यहाँ पे पेपर कटिंग ये लोग कर रहा है और इधर देख सकते हो थोड़ा इस गेरुआ से इस तरीके से सूर्य भगवान का डिज़ाइन बना है, ये सारा फूल है सबसे डेकोरेट होगा। और यहाँ पे मेरी बहन है वो बना रही है, यहाँ पे बैठे हैं ये लोग सब, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, हम सब भाई बहन मिल करके डेकोरेट कर रहे थे। तो मैं रंगोली बना रही थी, लोग बहुत हेल्प कर रही थी मेरा रंगोली बनाने में। तो ये देख सकते हो मुझे यहाँ पे मैसेज आ गया था तो मैं उसका रिप्लाई करने लग गई थी। और ये लोग धागा वगैरह अच्छे से बांध रहा है और ये बेचारा हुआ ज़्यादा थक गया था तो बैठ गया है, यहाँ मेरा भाई कनेक्शन दे रहा है। आप लोग को मेरी रंगोली कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने रंगोली में बीच में यहाँ पे सूर्य भगवान बनाया है और सबको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा रंगोली कैसा लगा। और बहुत मज़ा आया, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने सारे चीज़ें बनाने में और सब लोग इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हम रंगोली वगैरह बना रहे हैं, हमारे सिस्टर भैया स्माइल, लेकिन भाई स्माइल दिखेगा नहीं, तुम सब लोग स्माइल, मतलब निकलिन मत देखो यहाँ, एक बार बाहर से आउटलाइन करके देख, एक मिनट एक मिनट, ये है देखिए, हां समझाओ ना, एक मिनट खत्म हो गया है ना, रिकॉर्डिंग कर दो, फटाफट से लेके आओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कर लो, तुम बैठ मत जाओ, काम तुम्हारा यही है। नहीं पता है आई एम अब वीडियो का वीडियो क्या सनी
और ये देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसी लग रही है रंगोली मुझे प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना। और मैं इसको बार बार यहाँ पे इंस्टा को डालती हूँ कि बहन सबका घूम घूम के रिकॉर्डिंग करो, हर एक आदमी का रिकॉर्डिंग करना चाहिए, हर एक आदमी क्या कर रहे हैं और कितना मस्ती कर रहे हैं हम लोग। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखला रही हूँ, मेरी सिस्टर है, चेयर चेयर करके हम लोग फूल लगा रहे हैं, लाइट्स लग रहा है, लाइट्स का काम मेरे भाई का था, फूल का काम मेरी सिस्टर का था, रंगोली का काम हम लोग का था, कटिंग का काम ये लोग का था, सबका काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और सब लोग मज़े से हंसते हुए सब कोई काम कर रहे थे, मज़े से हंसते हुए सब लोग काम कर रहे थे और सबका काम इक्वली डिवाइडेड था, कोई किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं था। और यहाँ पे ये देखो मैं ऊपर से ट्राई कर रही हूँ कि शायद इस तरीके से उतर जाए, बट मैं यहाँ पे हुआ नहीं वैसा, इस चलनी को मैंने सोचा कि चलनी नीचे नहीं रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा तो होगा, बट हो नहीं पाया। देखो देख सकते, उसके बाद मुझे चलनी नीचे रखना पड़ा और उसके बाद फिर इसके इसमें कलर डाल करके फिर इसमें ये डिज़ाइन उतारना पड़ा। तो यहाँ पे वही है, मैं उतार रही हूँ, उसके बाद फिर देख सकते हो आप लाइक कितना अच्छा डिज़ाइन उतरा था यहाँ पे। बाकी सारा मैंने अपने हाथों से बनाया था और थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें चलने की हेल्प से बनाई थी और सबसे ज़्यादा लंबी है यहाँ पे शॉप में, तो उसके हेल्प से बहुत सारा काम हो रहा था। और ये देखो सब लोग बहुत मज़ा कर रहे थे, छत पे ही हम लोग यहाँ हो जाता है, बाहर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और पानी भरना चालू हो गया था, यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा था पानी का कि पानी जाने के बाद फिर कहीं लीक ना हो या बाहर निकलने ना लगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग हो गया था पानी का। और इस तरीके से देखो यहाँ हो गए, तो कैसे यहाँ पे बन रहा है रंगोली और सब जगह घाट सज रहा है, यहाँ पे पानी भरा रहा है, बच गए। और यहाँ पे मैं और चांदनी मिलकर रंगोली बना रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सूप भरने का मतलब सूप सजाने का काम शुरू हो गया था, तो फिर मेरी सिस्टर नीचे आ गई और फिर सूप सजाने लग गई। और हमारे यहाँ पे इसी तरीके से लंबा लंबा टीका लगता है सूप पे, दौरा पे, उसमें फ्रूट्स वगैरह रखाता है, जो ठेकुआ बनता है वो रखाता है। और यहाँ मम्मी बैठी हुई थी, थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, फास्ट रहता है 2-3 दिन का तो थक जाता है लोग, नॉर्मल है। और आप लोग इन्जॉय करो वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।